ସଂସଦରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଲୋକସଭାରେ ତିସ୍ରୀ ବାର ମୋଦି ସରକାର ନାରାର କମ୍ପନ। ତିନିଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁଛି ବିଜେପିର ଉତ୍ସାହ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜୟ ପରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରାଗଲା ସ୍ୱାଗତ। ନିଜ ଆସନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ, ବଡ଼ ବିଜୟର ମହାନାୟକଙ୍କୁ ତାଳି ମାରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ତିସ୍ରୀ ବାର ମୋଦି ସରକାର ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ସଦନ। ଆଉ ସଦନ ବାହାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବାବଦରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଠଣ୍ଡ ସାୟଦ ବିଲମ୍ବ ସେ ଚାଲ ରହି ହେ ଔର ବହୁତ ଧୀରି ଗତି ସେ ଠଣ୍ଡ ଆ ରହି ହେ ଲେକିନ ରାଜନୈତିକ ଗର୍ମୀ ବଡ଼ି ତେଜି ସେ ବଢ଼ ରହି ହେ କଲ ହି चार राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। मोदी कहिले देश नकारात्मकता को प्रत्याख्यान करिछि। तीनटी राज्यर निर्वाचन फलाफल देछि अनेक वार्ता। सुशासन आगरे सत्ता विरोधी लहर पड़े जाए फिका। इथिपाई विरोधी को परामर्श से माने छाड़ी दियंतु नकारात्मकता। जब गुड गवर्नेंस होता है पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। हिंदी हेडलाइन रे बड़ पराजय परे एबे आईएनडीआई मेंटोरे सन्नाटा। स्वाभाविक भावे विरोधी मध्यरे बढ़ुछि निराशा। तेबे हताश न हुई सकारात्मक राजनीतिर मार्ग अपनायबाकु विरोधी को परामर्श देछंती प्रधानमंत्री। अब वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छे एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम का फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्ज्वल है, निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए। विकसित भारत रो स्वप्न को यथाशीघ्र पूरण करबा को हेबो। मोदी कहिछंती एथिरे समस्तक गुरुत्वपूर्ण योगदान आवश्यक। विरोधी को भी समान भावे सामर्थ्यवान हेबा को पड़िबो। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।